हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का तांडव। तांडव क्यों है, यहाँ पे बात क्यों रखा गया, तो तांडव के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ही वजह है। वजह क्यों है कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी आप लोगों को एनसीईआरटी के लिए कोई भी बुकलेट या कोई भी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आपको चिंता फिक्र नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की यहाँ पे हम बात करेंगे, और भूगोल की भी कक्षा 6 की चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमारी पहली और दूसरे चैप्टर की वीडियोस आ चुकी हैं, अर्थात 2 वीडियो आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के यहाँ पे और चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो बात करेंगे एमसीक्यू के साथ साथ इसकी व्याख्या एक्सप्लेन की भी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लिखा भी है एनसीईआरटी के विषय की व्याख्या के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके ज्योग्राफी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। खासतौर से आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, जो पृथ्वी कैसे वगैरह घूमती है। तो इसका टाइटल है सिलेक्शन का द्वार, एनसीईआरटी का स्वार। अगर आप लोग कहीं भी सिलेक्शन लेना है, कोई भी एग्जाम पास करना है, तो एनसीईआरटी तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कोई भी बुकलेट पढ़ लिया और आप लोगों को एमसीक्यू नहीं लगाया, तो एमसीक्यू यहाँ पे लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हैं। पहला कथन पढ़ते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा कथन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, किसकी बात कर रही है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, क्या दोनों कथन सत्य है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं, आपका सही आंसर हो जाता है सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, तो यहाँ पे ये भी कथन सही हो जाता है। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम व्याख्या को देखें यहाँ पे, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और यह लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसको घूर्णन कहते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसको हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा को पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। मैंने पहले ही बताया लगभग बोला है, आप वहां पे 5-7 सेकंड का आप लोग ना कमेंट कर देते हो, तो इसलिए पृथ्वी को जो सूर्य का परिक्रमा करने में जो समय लगता है 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर अपना ही चक्कर लगाती है उसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आ रहा होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष उसके कक्षा के तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है, जो पृथ्वी का अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है। कहा जा रहा है, मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो पृथ्वी अपने कितने अक्ष डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन है, पहला आंसर है आपका कथन 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री और 26 डिग्री। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष के कक्षा के लंब में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर व्याख्या को देखें तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, कहीं भी दिखता नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कहीं दिखती हो, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की एक अक्ष जो अपनी काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ है। ये ज्यादा झुक गया है तो आप लोग समझ जाइएगा, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अर्थात इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोण की बात की जाए तो कितना बनाती है, 66.5 डिग्री का ये कोण अब बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और कितना झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वह है समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल भी कहते हैं। जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। लेकिन यहाँ बात की जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लोग बताना है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कोण की बात की जाए तो 66.5 डिग्री का, और झुकी होने की बात की जाए तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। बी कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान को सही स्थिति ज्ञात की जाती है। तीसरा कथन कहता है ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन या रात को विभाजित करता है। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर कौन सा हो जाता है, आपका इसमें सही आंसर हो जाता है कौन सा हो जाता है सही आंसर, आपका इसमें सी आंसर सही हो जाता है। कौन सा, सी आंसर सही हो जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है। प्रदीप्त वृत्त क्या है, दिन और रात को विभाजित करता है। अगर रात और दिन होते हैं किसके कारण होते हैं, तो आपको याद रखना है होते तो वैसे सूर्य के कारण होते, जो पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है उसके कारण होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदीप्त वृत्त में इसको बात की जाती है। तो पूछा जाए कभी भी प्रदीप्त वृत्त कैसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है, दिन और रात को विभाजित करता है। इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है पृथ्वी सूर्य से, सूर्य हमारा मान लो ये है और अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करेगी, सूर्य से ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त करेगी, प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोल होने के समान समान है, कैसा है, गोल ही है, एक तरीके से गोल के समान है, थोड़ा सा यहाँ पे चपटी है, ठीक है, कैसा है, चपटी है, ठीक है। तो पृथ्वी आकार में गोल गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही हम रोशनी प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं, आधे ही भाग पर, एक समय में आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त करते हैं। अगर नॉर्थ में कर रहे हैं तो साउथ में नहीं करेंगे, और अगर साउथ में कर रहे हैं तो नॉर्थ में हम रोशनी प्राप्त नहीं करेंगे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, क्या वृत्त कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। याद रखिएगा अगर दिन और रात की चीज को कौन विभाजित करता है तो एग्जाम में आ जाए, तो आप लोगों को क्वेश्चन में अगर मिल जाए प्रदीप्त व्रत, तो आप लोगों को प्रदीप्त व्रत पे टिक लगा के आना है। प्रदीप्त व्रत ऐसा व्रत होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अगर हम यहाँ पे, तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, क्या बात की आ रही है, जो ऋतु होते हैं ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, इसकी बात की आ रही है, क्यों कारण है और क्या कारण है इसको देख लेते हैं। ये बोलता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन है, क्या कह रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन है। बी कथन कह रहा है पृथ्वी का अपने आचिपन घूर्णन। सी बोल रहा है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। क्या लगता है, ये सही है, सी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना, सी तो बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। उपरोक्त में से सभी, सभी कैसे हो सकते हैं, एक ही हो सकता है ना, तो सी वैसे ही सही नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ए सही है, कौन सा, ए सही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है इसी कारण। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी सर्दी वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, एक वर्ष में, एक साल की बात किया तो एक साल में क्या बांटा जाता है, गर्मी में बांटा जाता है, सर्दी में बांटा जाता है, बसंत में बांटा जाता है और शरद ऋतु में बांटा जाता है, किसको, पृथ्वी को। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, सूर्य के चारों ओर, मान लो ये हमारा सूर्य है, मान लो ये सूर्य है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, ये सन है हमारा, सन के चारों ओर मान लो अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इस तरीके से पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो एक तरफ यहाँ पे ऊर्जा होगी तो एक तरफ यहाँ पे ऊर्जा नहीं होगी, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिवर्तन के कारण ही यहाँ पे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। क्या कहा रहा है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसमें ऋतुओं में परिवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात की स्थिति बदलती है, जिसके कारण हम सोते भी हैं, काम भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, है ना। आप लोगों को उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, है ना, गलत करके नहीं आना है, कमेंट में पूछ दो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 21 जून बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डेट है ये, 21 जून, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से थोड़ा जल्दबाजी में, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, कहां पे, कर्क रेखा पर, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, वहीं अगर रातें की बात किया छोटी होती है, पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, क्या बात करी, इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, विषुव या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है,
उत्तरी अयनांत कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दक्षिणी अयनांत तो वैसे ही नहीं आएगा, तो उत्तरी अयनांत यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्याख्या की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम व्याख्या को देखें, यहाँ पे व्याख्या थोड़ा बड़ी भी है, उसको देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो आप लोगों को समझ में आएगा, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा की स्थिति कहाँ है, आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, जीरो डिग्री हो गया है, ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया है, ठीक है, नॉर्थ में, और ये 23.5 डिग्री हो गया है हमारा साउथ में। तो यहाँ पे कहाँ की बात की जा रही है, नॉर्थ की बात की जा रही है, नॉर्थ में यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद अंगल उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर अगले 6 महीने पर लगातार दिन रहता है। तो नॉर्थ में क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ रही है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे, किस जगह पे बात की जा रही है, यहाँ पे अगर मान लो सूर्य की किरण बराबर पड़ रही है और ये हमारा विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे कैसा मौसम होगा, जब सूर्य की किरण पड़ रही है तो गर्मी लगती है ना, तो गर्मी का मौसम पड़ता है। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात किया है तो सर्दी का मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी है ना, यहाँ पे ही सूर्य की किरण है, यहाँ इस साइड पड़ रही है, अब इस साइड में नहीं पड़ रही है, तो इस साइड में क्या रहेगा, सर्दी का मौसम रहेगा। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तर में पड़ रहा है तो उत्तरी अयनांत कहते हैं, अगर दक्षिण में पड़ता तो दक्षिणी अयनांत की रेखा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पे उसको देख लेते हैं, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में है ये, कौन सा है, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो, विचार करते हैं। पहला कथन है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। अभी मैंने वैसे आप लोगों को बताया है, क्वेश्चन अगर ना बताएं पूछ सकते हैं कमेंट में आप लोग बताने के लिए, फिर भी बता देते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन इसलिए। तो दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। अब आप लोगों को बताओ मुझे कि ये हमारा मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया कर्क रेखा, यहाँ पे हो गया मकर रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे बात की जा रही है 23.5 डिग्री की। तो सूर्य कहाँ पे पड़ रहा है, सूर्य पड़ रहा है हमारा इसी जगह पर, जब इस जगह पर पड़ रहा है सूर्य, क्या कथन है, कौन सा कथन सही है, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, उपरोक्त सभी, आपका उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपका, यहाँ पे सी आपका सही है, कौन सा, सी आपका सही हो जाता है, यहाँ पे 1 और 2 आपके सही है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि छोटे दिन कैसे होंगे, सूर्य पड़ रहा है तो लंबे दिन होंगे है ना, तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका है, बिल्कुल सही है, सूर्य दक्षिण की ओर झुका हुआ है, 0 से यहाँ पे झुका हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका हुआ है, दक्षिणी सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सही है, मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, जो अपने आप में इंपोर्टेंट है। व्याख्या की अगर हम यहाँ बात करें तो 22 दिसंबर को क्या बात कर रही है, इंपोर्टेंट है, देखो मैंने आपसे बोला ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव है ना उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहां पे, मकर रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश पाया जाता है। जब मकर रेखा पर अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, इस जगह पे अगर मकर रेखा आएगी, इस पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश प्राप्त होगा। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु का ये समय पाया जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, उत्तरी अयनांत, यहाँ पे बात कर रही थी वो नॉर्थ में बात कर रही थी, अभी साउथ में बात कर रही, तो दक्षिणी अयनांत कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो याद रखिएगा क्रिसमस का पर्व मनाता है, कौन सा, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो एग्जाम में कभी आए क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, तो दक्षिणी अयनांत के समय मनाता है, 22 दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विषुव के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, विषुव के संदर्भ में है, विषुव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछा जाता है राइट क्वेश्चन कौन सा है, कथन है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। देखते हैं दूसरा कथन क्या कहता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा कथन क्या कहता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपरोक्त में से सभी, तो कौन से सही है आपका, आपका यहाँ पे डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, आप लोगों को यहाँ डायग्राम बना के थोड़ा दिखा देते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, यही है विषुवत रेखा, कौन सी है, विषुवत रेखा है ये, अगर ये विषुवत रेखा है तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये हमारा सन है, तो सन बात की जाए, तो सन की किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है।
पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। जब बीच में अगर हमारा सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है तो न तो नॉर्थ में है यहाँ पे सूर्य, न तो साउथ में है, तो दिन और रात दोनों जगह पे बराबर होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, बिल्कुल सही है। जब सूर्य सीधी विषुवत रेखा पर आए, न तो नॉर्थ में झुका है न साउथ में झुका है, तो फिर कोई भी ध्रुव पर ये झुका भी नहीं है। तो अपने आप में ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। आप कुछ वीडियो को पुश करके थोड़ा सा धैर्य के साथ मन लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे व्याख्या की, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को कब बात की जा रही है, 21 मार्च और 23 सितंबर को कब बात करी है, 23 सितंबर को। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछा जाती है, कोई भी एग्जाम हो। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसको विषुव कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है और दो तारीख ऐसी हैं जहां पे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ना तो नॉर्थ में पड़ती हैं ना ही साउथ में पड़ती हैं, तो यहां पे सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो एग्जाम में कहीं पूछा जाए तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कहते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कब होती है, 23 सितंबर को होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। अगर 21 मार्च को इस स्थिति की विपरीत हो जाती है, तो 21 मार्च को इस स्थिति की विपरीत हो जाएगी, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ 21 मार्च को कौन सी ऋतु रहेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग पूरा सेशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, आने वाली वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। बाकी की और भी सारी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जाके, प्ले लिस्ट है, लिंक भी है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। लीप वर्ष यहाँ बात की जा रही है, लीप वर्ष अधिवर्ष कितने दिन में होते हैं, क्या बात की जा रही है यहाँ पे, लीप वर्ष की बात की जा रही है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, 368 दिन। आपका कहाँ पे कौन सा आंसर सही है, 366 दिन होते हैं। कितने बात की जा रही है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। यहाँ पे बात ध्यान रखो, लीप वर्ष की बात की जा रही है, अगर नॉर्मल वर्ष की बात की जाती तो 365 दिन होते, कितना दिन होते, 365 दिन होते, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में 366 दिन ही होते हैं, कितना, 366 दिन होते हैं। बी आंसर आपका सही है। व्याख्या की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे व्याख्या देखें तो पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है 365 दिन का और 6 घंटे का समय लगता है इसको, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। सुविधा के अनुसार हम इसे 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो अपन हम नॉर्मल क्या कहते थे, पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा करने में 365 दिन समय लगता है, 6 घंटे भूल जाते हैं। तो इस प्रकार अगर 4 वर्षों में देखा जाए तो 24 घंटे का दिन अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। अगर 4 वर्षों में, कितना वर्षों में, 4 वर्षों में अगर 6-6 घंटे को जोड़ो आप, तो 6 × 4 करो, कितना हो रहा है, 24 हो रहा है ना, तो 24 आवर होगा ये। अब 24 आवर्स बोले तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 दिन अगर 24 घंटे हो रहे हैं, अगर ये अगर इनको जोड़ा जाए तो चौथे साल में तो कितना हो जाएंगे, 366 दिन। तो इस प्रकार चौथा वर्ष 366 दिन का ही यहाँ पे होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे नॉर्मल वर्ष कितने दिन का होता है तो 365 दिन का होता है, अगर कोई पूछे कि हर चौथे साल में वो कितने दिन होते हैं तो 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, 366 दिन कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है पूरा सेशन पसंद आ रहा होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।